let's do question number 21 of exercise 14 a that is height and distance question number 21 is the angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree rahe, tower ke top pe ground se angle of elevation one 60 degree ka from another point 10 meter vertically above the first its angle of elevation is 30 degree फ्राम अनदर पॉइंट टेन मीटर वर्टिकली अबव दस मीटर वर्टिकली अबव अनैदर दूसरे पॉइंट से दस मीटर वर्टिकली अबव से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थर्टी डिग्री कहाँ पर लेकिन फर्स्ट पे लाइक इसका मतलब है दो टावर्स हैं देखिए इसका मतलब है दो टावर्स है एक ये टावर मान लीजिए और एक ये मान लीजिए राइट आ गई दो टावर्स अब वो कह रहा है क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री ग्राउंड पे टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन तो मान लीजिए ये टावर 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है राइट right? ये आया 60 डिग्री का एलिवेशन टी टावर अब क्या कह रहा है देखिए फ्रॉम अनादर पॉइंट टेन मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पहले से दस मीटर ऊपर अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज थर्टी दस मीटर ऊपर से ये मतलब टेन मीटर्स दे रखी है टेन मीटर ऊपर से एंगल ऑफ़ एलिवेशन बन रहा है फर्स्ट के ऊपर थर्टी डिग्री का तो मतलब ए ये यहाँ से एक लाइन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थर्टी डिग्री का अब देखिए आगे क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर तो हमें ये टावर की हाइट निकालनी ऑब्वियसली इसकी दे रखी है तो इसी टावर की हाइट निकालनी है तो अब देखिए नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी और ये हमने टी मानी रखा है तो लेट कर लेते हैं लेट लेट द हाइट ऑफ टावर बी ऑफ टावर बी एच मीटर है राइट तो इसका मतलब ये पूरी हाइट कितनी है एच मीटर है राइट आप देखिए ए बी टेन मीटर है तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन गई है वो इस पॉइंट पे टेन मीटर पे ही आएगा राइट right? देखिए ये ए बी और हमारी सी डी इक्वल होंगी कैसे क्योंकि यहाँ से ये ये जो टावर का टॉप है ये जितना ये ग्राउंड से टेन मीटर अबव है तो डी पॉइंट जहाँ से ये पैरेलल लाइन टच कर रही है टावर को तो वो भी टेन मीटर अबव ही होगा तो हमने कहा ए बी इक्वल है सी डी के जो कि है हमारा टेन मीटर राइट अब हमारा टी डी कैसे निकलेगा देखिए हमारी पूरी थी हाइट ह, एच और हमने सी डी माना टे, और हमारा सी डी आया टेन मीटर तो हमारा टी डी कैसे निकला देखिए टी डी निकलेगा पूरी टी सी में से हमने सी डी माइनस कर दिया पूरी हाइट में से हमने ये सी डी माइनस कर दिया तो ये आया एच माइनस टेन आ गया अब इसी तरीके से हमें दोनों के बीच का बी सी का डिस्टेंस नहीं पता तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एन सी क्योंकि इसने ये टावर स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये टावर है तो इसलिए मैं बी और सी पॉइंट ले रही हूँ बी एन सी इज़ एक्स मीटर मान लिया हमने इसे तो ये आ गया हमारा एक्स मीटर अब जब बी सी एक्स मीटर आ गया तो बी सी किसके इक्वल हो गया ए डी के दैट इज़ एक्स मीटर क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा यहाँ से भी और यहाँ से भी जिस तरीके से ये डिस्टेंस ए बी हमारा 10 मीटर था और सी डी भी 10 मीटर सेम आया है उसी तरीके से ए और डी के बीच का और बी और सी के बीच का डिस्टेंस सेम होगा राइट अब हमने सारे पॉइंट्स देख लिए अब हमें दो ट्राइंगल्स देखने हैं तो एक तो ये ट्राइंगल हो गया ए डी टी और दूसरा ट्राइंगल हो गया टी सी बी कहें या बी सी टी कहें बात एक ही है तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बी सी टी तो इन ट्राइंगल बी सी टी तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हुआ हमारा टी और बेस हुआ हमारा बी अब टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री इक्वल्स टू टी था हमारा एच और बी था एक्स राइट right? तो एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया एच इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स हो गया राइट right? ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली अब हम सेकेंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए डी टी तो हमने लिखा इंट्राइंगल ए डी टी परपेंडिकुलर क्या है हमारा टी डी और बेस क्या है ए डी तो हमारा फॉर्मूला लगा टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू टी डी अपॉन ए डी अब टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री टी डी कितना आया देखिए टी डी हमारा निकल के आया था एच माइनस टेन और ए डी निकल के आया था हमारा एक्स तो एच माइनस टेन अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू एच माइनस टेन राइट अब एच की जगह हम रूट थ्री एक्स लिख रहे हैं ये सेकेंड इक्वेशन आ गई तो पुटिंग h equals to root थ्री x in equation टू तो ये कितना आ गया x equals to root थ्री into h की जगह हमने लिखा root थ्री x minus टेन ब्रैकेट ओपन कर लीजिए ये कितना आ गया root थ्री into root थ्री 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 एक्स minus टेन root थ्री राइट right? अब x की वैल्यूज एक साइड तो ये आया X माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन रूट थ्री तो ये आ गया माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन रूट थ्री माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई टेन रूट थ्री अपॉन टू तो ये आ गया टू वन जो टू टू फाइव टेन तो फाइव रूट थ्री आ गया और हमें क्या निकालना था हमें निकालना था सिर्फ हाइट ऑफ दी टावर अभी इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी सी आया है तो एच निकालना है तो हमारा एच कितना आ जाएगा एच था हमारा रूट थ्री एक्स एक्स की जगह हमने लिख दिया फाइव रूट थ्री तो ये कितना आ गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज़ थ्री तो फाइव थ्री सा फिफ्टीन मीटर आ गई तो हाइट ऑफ टावर आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर बी 15 meter is the answer.